हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में थोड़ा सा ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफर में सबसे पहले बार्सिलोना के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बाकी जो कुछ रूमर्स हैं या कुछ ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। तो बार्सिलोना में सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो लुक डी यंग की एलेक्सिस सैंचेस के साथ तो स्वैप डील है। एलेक्सिस सैंचेस तो बार्सिलोना का फॉर्मर प्लेयर है, जो पहले भी बार्सिलोना में खेल चुका है एंड अभी इंटर मिलान में खेल रहा है। तो ये अच्छी बात है बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना लुक डी यंग वो नहीं कर सकता जो एलेक्सिस सैंचेस करता है। लुक डी यंग इज़ नॉट ए बार्सिलोना टाइप प्लेयर, तो ये बार्सिलोना के लिए अच्छा होगा लुक डी यंग की डील। एंड सेकेंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो बार्सिलोना का लिंक है जिस प्लेयर के साथ, वो फेरान टोरेस है। तो फेरान टोरेस के पर्सनल एग्रीमेंट हो गए हैं, सब कुछ सही है, बट थोड़ी सी पैसों की बात चल रही है मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो मेरे ख्याल से 60 मिलियन मांग रहे हैं बार्सिलोना वाले 45। एंड उसके बाद बात करते हैं कि बार्सिलोना इतने पैसे कहाँ से लाएगी। तो ये डील इसलिए मुमकिन है, पॉसिबल ही इसलिए कि ये पैसे कुछ इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 5 ईयर्स इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो ये डील पॉसिबल है कि बार्सिलोना इस डील को डन करे एंड फेरान टोरेस हो सकता है कि बार्सिलोना आए। एंड उसके बाद एक रिमेडियामी जो बार्सिलोना के साथ लिंक था, अभी वो मेरे ख्याल से बोरुसिया डॉर्टमुंड जा रहा है। तो उसने बार्सिलोना का ऑफर रिजेक्ट किया एंड अभी वो मेरे ख्याल से वो सबसे जो क्लोज़ है वो बोरुसिया डॉर्टमुंड से क्लोज़ है कि वहाँ वो बोरुसिया डॉर्टमुंड ज्वाइन करने वाला है। अर्लिंग हॉलैंड ने भी बोरुसिया डॉर्टमुंड ज्वाइन किया था आरबी लाइपज़िग से एंड रिमेडियामी भी ज्वाइन करने वाला है तकरीबन। वो उसके लिए बेस्ट रहेगा बोरुसिया डॉर्टमुंड। बार्सिलोना भी ठीक था बट बोरुसिया डॉर्टमुंड उसके लिए सही रहेगा उसके करियर बनाने में। बार्सिलोना में भी उसको खेलने का टाइम मिलता क्योंकि बार्सिलोना के अभी प्लेयर्स सारे इंजर्ड हैं, बट बोरुसिया डॉर्टमुंड इसके लिए अच्छी है। एंड इसके बाद बात करते हैं एर्लिंग हॉलैंड की। तो एर्लिंग हॉलैंड की डील तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के साथ लिंक है एंड उसका जो ये डील बार्सिलोना चाहती है कि एर्लिंग हॉलैंड को साइन करे, बट इतने पैसे नहीं है बार्सिलोना के पास। अगर सीवीसी की डील हो जाए तो बार्सिलोना हो सकता है कि एर्लिंग हॉलैंड को साइन करे, एंड अगर सीवीसी की डील नहीं हो गई तो बार्सिलोना एर्लिंग हॉलैंड को साइन नहीं कर सकती। एंड उसके बाद 170 मिलियन के अराउंड फिगर है एर्लिंग हॉलैंड की प्राइस। इतने पैसे बार्सिलोना के पास अभी नहीं है। अगर सीवीसी डील हो जाए तो हो सकता है कि बार्सिलोना एर्लिंग हॉलैंड को साइन करे, सीवीसी डील के बगैर बार्सिलोना एर्लिंग हॉलैंड को साइन नहीं कर सकती। एर्लिंग हॉलैंड के अभी बायर्न म्यूनिख के साथ भी उसका लिंक है, बट बायर्न म्यूनिख वो क्लब है जो प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे नहीं देते। पीएसजी भी एर्लिंग हॉलैंड के साथ लिंक है क्योंकि किलियन एम्बापे जा रहा है रियल मैड्रिड में एंड पीएसजी एर्लिंग हॉलैंड को देख रही है कि उसको साइन करें। एंड उसके बाद फ्रेंकी डी यंग का न्यूज़ भी आया है कि फ्रेंकी डी यंग के लिए बायर्न म्यूनिख से ऑफर आया है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है, बट जावी ने क्लियर किया है कि फ्रेंकी डी यंग हम नहीं बेचेंगे। बार्सिलोना का जो मेन जो की मैन है अभी मेरे ख्याल से फ्रेंकी डी यंग है, तो ब्रिंग वो नहीं रावी नहीं करेगा, फ्रेंकी डी यंग को सेल नहीं करेगा, तो फ्रेंकी डी यंग कहीं नहीं जाने वाला है। एंड एक और रूमर भी आया था कि किंग्सली कोमन के साथ उस्मान डेम्बेले का स्वैप डील होने वाला है बायर्न म्यूनिख एंड बार्सिलोना का, बट मुझे पता नहीं कि कितना सच होगा, लेकिन ये मैंने कहीं पर देखा, न्यूज़ में देखा, बट देखते हैं कि क्या होता है। बार्सिलोना रोनाल्ड किंग्सली कोमन एंड डिम्बेले दोनों एक जैसे हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं बट इंजर्ड रहते हैं। अब देखते हैं कि रावी क्या करता है। एंड उस्मान डिम्बेले मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं, तो वो जा रहा है बार्सिलोना से, बट अब देखते हैं कि बार्सिलोना उसको सेल करते हैं या नेक्स्ट सीजन वो फ्री में चला जाता है, इसके बारे में देखते हैं। बट अभी एक रूमर आया है कि किंग्सली कोमन एंड उस्मान डिम्बेले का स्वैप डील होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं व्लाहोविच की। तो व्लाहोविच को पिछले साल भी आर्सेनल साइन करना चाहती थी पिछले सीज़न, बट वो नहीं कर, 50 मिलियन का उसको ऑफर किया था बट उसने रिजेक्ट कर दिया। अभी मेरे ख्याल से अभी फ्योरेंटिना ने उसको उसकी क्लब की बेस्ट डील उसको ऑफर किए हैं, बट उसने उसको रिजेक्ट किया है एंड वो फ्योरेंटिना से कहीं और जाना चाहता है। अभी सबसे ज़्यादा जो उसके साथ लिंक है और इसमें इंटरेस्टेड है आर्सेनल, उसमें इंटरेस्टेड है सबसे ज़्यादा, एंड जुवेंटस भी उसके साथ उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके साथ लिंक हैं व्लाहोविच को साइन करने में। एंड जुवेंटस अभी लिंक हैं इकार्डी के साथ, तो भी जुवेंटस लिंक हैं। व्लाहोविच के लिए अभी तो सिर्फ आर्सेनल एंड जुवेंटस लिंक है, बट हो सकता है आगे बार्सिलोना को भी स्ट्राइकर चाहिए, वो भी लिंक हो जाए, या मैनचेस्टर सिटी भी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। एंड थोड़ा सा प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं। तो प्रीमियर लीग के रोडीगर एंड क्रिस्टेंसन के अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं, तो रोडीगर जाने वाला है रियल मैड्रिड। अब देखते हैं कि चेल्सी क्या करती है। एंड क्रिस्टेंसन भी मेरे ख्याल से रिसाइन कर देगा। एंड रोडीगर में मैनचेस्टर यूनाइटेड भी
रूडीगर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उनके साथ लिंक है, उसमें इंटरेस्टेड हैं, बायर्न म्यूनिख भी इंटरेस्टेड हैं, एंड कहीं ना कहीं पर पीएसजी भी इंटरेस्टेड हैं। बट चेल्सी मेरे ख्याल से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा, रूडीगर के कॉन्ट्रैक्ट को कहीं पर नहीं जाने देगा रूडीगर को। तो आज के लिए तो यही काफ़ी है। आप लोगों के पास अगर कोई और नई न्यूज़ हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।